आगे अहम खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा एक्शन प्लान मांगा है। प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम भजनलाल काफी गंभीर हैं। ऊर्जा विभाग की पहली समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों से जानकारी ली, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और आपूर्ति को लेकर जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए हैं। बिजली की मौजूदा व्यवस्था और इसमें सुधार के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। सीएमओ में आयोजित बैठक में प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत, आरवीपीएनएल सीएमडी आशुतोष एटी पेडनेकर, आरवीयूएनएल सीएमडी आर के शर्मा, जयपुर डिस्कॉम एमडी आर एन कुमावत समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ऊर्जा विभाग के कामकाज को लेकर अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया कि किस तरह से ऊर्जा विभाग का कामकाज है, किस तरह से कार्यशैली रही है, कैसे काम किया जा रहा है, इसका भी प्रेजेंटेशन दिया गया। लेकिन अहम यही कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा का एक्शन प्लान मांगा है। प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर ये बताता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितने गंभीर हैं और इसलिए ऊर्जा विभाग की पहली समीक्षा बैठक में सीएम ने इसे लेकर अधिकारियों से जानकारी ली, जिसमें बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और आपूर्ति को लेकर उन्होंने जानकारी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि बिजली की मौजूदा व्यवस्था और उसमें सुधार के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए, एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। सीएमओ में आयोजित बैठक में प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत की मौजूदगी थी। इसके अलावा इस बैठक में आरवीपीएनएल सीएमडी आशुतोष एटी पेडनेकर, आरवीयूएनएल सीएमडी आर के शर्मा, जयपुर डिस्कॉम एमडी आर एन कुमावत समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान ऊर्जा विभाग के कामकाज को लेकर अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक बेहद अहम बात है कि देखिए ऊर्जा का एक्शन प्लान मुख्यमंत्री द्वारा मांगना, और सबसे अहम बात यह कि किस तरह की कार्यप्रणाली है, क्या काम किया जा रहा है, अधिकारियों से भी इसे लेकर उन्होंने जानकारी ली है, क्या एक्शन प्लान के निर्देश दिए हैं उन्होंने? हाँ, देखिए जिस तरह से ऊर्जा विभाग सरकार के लिहाज से एक महत्वपूर्ण विभाग है और यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से सरकार की छवि को प्रभावित करती है, तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है उन्होंने ऊर्जा विभाग की पहली बैठक बुलाई थी। सभी जो अधिकारी उनको बुलाया गया था, प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत बैठक में मौजूद थे और उनके अलावा उत्पादन निगम के सीएमडी आर के शर्मा है, उसके अलावा प्रसारण निगम के सीएमडी है आशुतोष एटी पेड़नेकर, उसके अलावा जयपुर डिस्कॉम एमडी है आर एन कुमार समेत तमाम अधिकारी जो थे वो बैठक में मौजूद थे। और उन अधिकारियों से अलग अलग, चाहे वो प्रसारण की बात करें, चाहे वो उत्पादन की बात करें, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तीनों विषयों को देख मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है उन्होंने एक एक चीज को रिव्यू किया है, जानकारी ली है। साथ में उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि देखिए ये जो विभाग है ये सीधे आम जन से जुड़ा हुआ विभाग है और इस विभाग की जो सेवाएं हैं वो लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करती, तो ऐसे में इस विभाग की हर योजना को घर तक पहुंचाना, हर उपभोक्ता तक पहुंचाना और बेहतर बिजली आपूर्ति लोगों को मिले उसके लिए हर चीज के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जाए। इस मौजूदा स्थिति के अंदर बिजली का उत्पादन क्या हो रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट के लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या दिक्कतें आ रही है उसके लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, ये तमाम तरह की चीजें पूरा ब्रीफ नोट अधिकारियों से मांगा गया। साथ में उनको निर्देश भी दिए गए कि इस वक्त जब भजनलाल शर्मा जो है जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और उस दौरान उनको कुछ जनप्रतिनिधियों की तरफ से फीडबैक भी दिया गया कि उनके अभी जो रबी सीजन के अंदर ब्लॉक और सप्लाई जो दी जा रही है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, जो दो ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं उसके बाद में भी किसानों को रात के वक्त बिजली दी जा रही है, तो ऐसे में जब अधिकारियों से इस बारे में डिटेल ली गई, जो जो जयपुर डिस्कॉम के एमडी है उनसे जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया इस बात को लेकर के कि बिजली की उपलब्धता है लेकिन जो मौजूदा तंत्र है उस तंत्र में कुछ जगहों पर दिक्कतें आ रही हैं जिसके चलते पूरी ब्लॉक और सप्लाई जो है वो दी जा रही, चाहे बात करें भरतपुर की, धौलपुर की, वहां की कुछ शिकायतें थी, तो उसे में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने डायरेक्शन दिए कि जो सिस्टम को अपग्रेडेशन करने के लिए भी जो प्रयास किए जाने चाहिए उसका भी एक्शन प्लान बना के दिया जाए। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने बिजली वितरण कंपनी से, उत्पादन कंपनी से, प्रसारण कंपनी से, इसके अलावा पावर ट्रेडिंग का काम देखने वाली जो ऊर्जा विकास निगम है उन सभी से अलग अलग एक्शन प्लान मांगा है ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी किया जा सके। ये पूरी महत्वपूर्ण बैठक थी और बैठक के बाद में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द पूरा एक्शन प्लान बनाकर दिया जाए। जी, चलिए बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।